साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सीएसआईआर के डायरेक्टर डॉक्टर शेखर सी मांडे जी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर केवी. राघवन जी, नीति आयोग के सदस्य श्री बी.के. सारस्वत जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथियों, आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है. तो अभी अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी. और रियल ये है एक्चुअली स्टैंडिंग ओवेशन आज के अवार्ड विजेताओं को है. हम सब स्टैंडिंग ओवेशन देंगे. तो पहले वाला प्रैक्टिस था, ये रियल था. आज नेशनल साइंस डे पर आप सभी के बीच आने का अवसर मिला है. आप सभी भली-भांति जानते हैं कि ये दिन महान वैज्ञानिक डॉक्टर सी.वी. रमन के रमन इफेक्ट के आविष्कार की याद में मनाया जाता है. इसी उपलब्धि ने देश को विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल दिलाया था. मैं डॉक्टर रमन को श्रद्धांजलि देने के साथ ही विज्ञान दिवस पर आपको और पूरे वैज्ञानिक जगत को, विज्ञान के प्रत्येक विद्यार्थी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. मेरी कामना है कि आप सभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े अपने प्रयासों में सफल हो और इसका लाभ देश की जनता को मिल सके. आज शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पाने वाले विजेताओं और उनके परिवारों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. आपकी उपलब्धियों पर हमें गर्व है, हिंदुस्तान को गर्व है. मैंने परिवारजनों को भी विशेष बधाई इसलिए दी क्योंकि वैज्ञानिक लेबोरेटरी में जिंदगी खपाता है और इसलिए सबसे ज़्यादा त्याग तपस्या परिवारजनों की होती है. आपके प्रयासों से, आपके कार्यों से देश और समाज को लाभ मिला है और ये कार्य ऐसे होते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ मिलता रहता है. जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान नए भारत का रास्ता बने, इसके लिए इस प्रकार के पुरस्कारों और नेशनल साइंस डे जैसे आयोजनों की भूमिका बहुत अहम है. साथियों, इस वर्ष की थीम बहुत ही प्रासंगिक है. मैं खुद भी विज्ञान को लोगों की ज़रूरतों से जोड़ने के विचार का आग्रही रहता हूँ. हमारी सरकार अपने तमाम कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिए भी इस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास कर रही है. साथियों, हमारे पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, ऑन डिमांड, इसका डिविडेंड है. आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है. हमारे युवाओं की महत्वाकांक्षाएं सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर उनकी ललक हमारी सबसे बड़ी ताकत है. ऐसे में हमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को जनता से जोड़कर उन्हें समाज की आकांक्षाओं और जरूरत के अनुरूप बनाना होगा. इस साल जालंधर में इंडियन साइंस कांग्रेस के दौरान मैंने कहा था कि भारत की असली ताकत भी यही है कि हाँ, विज्ञान को समाज की जरूरत से जोड़ा जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी, हमारा एक एक वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा, स्पेस साइंस और रक्षा से जुड़े अपने कौशल को लगातार उन्नत करते जाएंगे। साथियों, हमारे देश के लोगों को अब बेस से कम कुछ नहीं चाहिए। हमारा स्टैंडर्ड काफी ऊपर चला गया है। अगर हमारी संस्थाओं की सोच पुरानी होगी तो हम आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। साइंस से जुड़े हमारे इंस्टीट्यूट्स को भी भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से खुद को गढ़ना होगा। हमें अपनी मौलिक शक्ति को बनाए रखते हुए भविष्य के समाज और इकोनॉमी के हिसाब से ढलना होगा। मैंने अपने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से इस बारे में एक समग्र योजना बनाकर आगे बढ़ने के लिए आग्रह किया है। इसमें आप सभी की साझेदारी भी बहुत जरूरी है। साथियों, जब इच्छा शक्ति हो तो सीमित संसाधनों में भी कैसे अद्भुत परिणाम दिए जा सकते हैं, इसका उदाहरण हमारा स्पेस प्रोग्राम है। हमारा मून मिशन हो, मार्स मिशन हो, या फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां दुनिया को आप जैसे हमारे अनेक वैज्ञानिकों के कौशल ने ही चकित किया है। अपने पहले ही प्रयास में हमने मंगल ग्रह के ऑर्बिट में अपना मंगलयान सफलतापूर्वक भेज दिया था। ऐसे करने वाले हम पहले एशियाई देश थे। अभी तक जो हमने हासिल किया है उसे मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 2022 तक देश का अपना गगनयान सफलतापूर्वक देश के अपने बेटे बेटियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा और वहां तिरंगा फहराएगा। साथियों, हमारे साइंटिस्ट ने, आप सभी ने हमेशा मानवता की भलाई के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है। जिन क्षेत्रों में आपने बेहतर काम किया है और जो देश के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसमें से एक है हमारा फार्मा सेक्टर भी। फार्मा के मामले में भारत आज दुनिया का 6वां सबसे बड़ा मार्केट है और दुनिया का 3रा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। आज भारतीय दवाएं 200 से ज्यादा देशों में निर्यात की जा रही है। साथियों, हमारे फार्मा सेक्टर के विकास के पीछे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब्स यानी CSIR लैब्स जैसी तकनीक की ताकत है। CSIR लैब्स को इस बात का भी पूरा क्रेडिट जाता है कि दुनिया में मिलने वाली महंगी दवाएं आज देश में बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। उनके पास जो दवा बनाने का ज्ञान है और भारत के जंगलों में जो दवा से जुड़े पौधों का खजाना है, उसे CSIR का और अधिक विस्तार तय है। मैं समझता हूं कि अब हमारे फार्मा सेक्टर को और बायोटेक को और गति देने का समय आ गया है। और इसके लिए जेनरिक्स और बायोसिमिलर्स की उपलब्धियों में इनोवेशंस को जोड़ना होगा। साथियों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा किया जा रहा एक और प्रयास सराहनीय है। AROMA मिशन के जरिए जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में अपना वो पहुंच बढ़ा रहा है। और मुझे बताया गया है कि पिछले 18 महीनों में देश भर में करीब 3000 हेक्टेयर भूमि पर एरोमेटिक प्लांट्स की खेती को पहुंचाया गया है। इसके लिए CSIR की पूरी टीम बधाई के पात्र है। एरोमेटिक प्लांट्स के अलावा बायोफ्यूल के मामले में भी CSIR बड़ी भूमिका निभा रहा है। सीएसआईआर ने जो एविएशन बायोफ्यूल बनाया है उसका सफल ट्रायल भी हो चुका है। 27 अगस्त 2018 को पहली बार देहरादून से दिल्ली तक ये जहाज उड़ाया गया था। इससे भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो बायोफ्यूल से जहाज उड़ा सकते हैं। सिर्फ सिविल ही नहीं बल्कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर हमारी एयरफोर्स के जेट ने भी बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया। साथियों, अब एक नए तरह के फ्यूल की जरूरत पड़ने वाली है। अगले 2 दशक में बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई नई तकनीक का दौर आने वाला है। ये सारी तकनीक डेटा पर आधारित होगी और इसलिए अब कहा जाना लगा है कि दुनिया में नया ईंधन डेटा ही होने वाला है। इन नई जरूरतों को देखते हुए हमारी सरकार ने नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स अभियान लॉन्च किया है। करीब 3,500 करोड़ इस अभियान पर खर्च किए जाने हैं। इसके तहत अगले 5 साल में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बिग डेटा एनालिसिस, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के R&D को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स भी बनाई है जिससे भारत इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार हो सके। मैं वैज्ञानिक समुदाय और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से अपील करता हूं कि चौथी औद्योगिक क्रांति के इस शुरुआती दौर में विश्व की दिशा बदलने वाली नई तकनीकों को विकसित करें ताकि भारत मैन्युफैक्चरिंग, नॉलेज और टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्री का ग्लोबल हब बन सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग देश में कृषि से लेकर परिवहन और हेल्थ केयर से लेकर मौसम विज्ञान तक में किया जा सकता है। इसमें वो ताकत है कि हम विकास और तरक्की के रास्ते पर अपने तय किए गए लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आज विकसित हो रही तकनीकों को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। इसके लिए नई तरह की सोच की जरूरत है। क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च इस सोच को और शक्ति दे सकता है। यानी रिसर्च का एक ऐसा वातावरण बने जहां के इंजीनियर्स सेल बायोलॉजिस्ट के साथ काम कर सके, एक केमिस्ट आर्ट से प्रेरणा ले सके, एक फिजिसिस्ट और सोशल साइंटिस्ट एक साथ सोच सके और काम कर सके। अलग अलग डिसिप्लिन और आइडियाज का ये संगम निश्चित रूप से R&D आधारित इनोवेशन का एक नया कल्चर विकसित करेगा। मुझे विश्वास है कि इस कल्चर को हमारी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहे प्रयासों में भी बल मिलेगा। हमारी सरकार ने शिक्षा और खासकर उच्च शिक्षा के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। हम रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ा रहे हैं। उच्च शिक्षा के संस्थाओं को स्वायत्तता दी जा रही है ताकि शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। इसी प्रयास में 21 यूनिवर्सिटी समेत 60 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी गई है। IIMs को स्वायत्तता देने के पीछे भी सरकार की यही सोच है। इसी तरह Institutions of Eminence पर भी काम शुरू किया जा चुका है। ऐसे संस्थानों को भी पूरी स्वायत्तता दी जा रही है ताकि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में अपनी जगह बना सके। ये भी हमारा राष्ट्रीय दायित्व है कि हम अपने युवावर्ग की सोच को प्रेरित कर सके, उसमें साइंटिफिक टेम्पर विकसित कर सके, क्योंकि वही हमारा भविष्य है और भविष्य में वही भारत की बागडोर संभालेंगे जो दुनिया को रास्ता दिखाने वाली है। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी का असर तब ज्यादा होता है जब उसका प्रभाव समाज के अंतिम व्यक्ति और वंचित वर्ग को मिलता है। ऐसे में विज्ञान और तकनीक को देश की चुनौतियों से जोड़ने के साथ ही देश की सभी वैज्ञानिक एजेंसियों को इस अभियान का हिस्सा बनाना भी आवश्यक है और इसलिए हमारी रिसर्च को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाना होगा। हेल्थ केयर, एफोर्डेबल हाउसिंग, क्लीन एनर्जी, पर्यावरण, वेस्ट मैनेजमेंट, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी, वैल्यू एडिशन जैसे सवालों का उत्तर बनना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि साइंस फंडामेंटल होना चाहिए, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। साइंस फंडामेंटल होना चाहिए लेकिन टेक्नोलॉजी लोकल हो। टेक्नोलॉजी लोकल का मतलब यह है कि उसको भारतीय परिस्थितियों और जरूरतों का जवाब बनना होगा। ये अभियान सफल हो इसके लिए हमें अपने साइलोज से बाहर निकलना पड़ेगा। टुकड़ों में सोचने की जगह समग्र सोच रखनी होगी। अगर एक पेड़ लगाना है तो गड्ढा कोई खोदेगा, बीज कोई बोएगा और पानी कोई और डालेगा, इस सोच से काम नहीं चल सकता है। हमें लक्ष्य स्पष्ट रखने होंगे, तभी मार्ग की हमें साफ दिखाई देगा। तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदलने के लिए हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से के उद्योग दोनों सक्षम हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं, लेकिन कंपटीशन के इस दौर में खुद को आगे रखने के लिए हमें और बड़े कदम उठाने होंगे, नई दिशाएं तय करनी होगी। समाज की इन्हीं चुनौतियों के जवाब ढूंढने के लिए प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल भी गंभीरता से काम कर रही है। साथियों, हमें आपकी क्षमताओं पर, आपके कौशल पर, आपके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। आपकी इसी सामर्थ्य से ही न्यू इंडिया के लिए नए आविष्कार होंगे, नई तकनीक के बारे में सोचा जाएगा और विज्ञान के जरिए जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से देश आगे बढ़ेगा। और तभी हमारी साइंस और रिसर्च का फायदा हमारे जवान को भी होगा और हमारे किसान को भी होगा। एक बार फिर जिन महानुभावों ने विज्ञान के क्षेत्र में साधना की है, ऐसे सभी ऋषितुल्य वैज्ञानिकों को आज पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं उन सबको आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को नेशनल साइंस डे की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देश गर्व की अनुभूति हर भारतीयों को देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन शॉल से करने के लिए हमारा